ये भीड़ बता रही है आपको कि क्या टिक्की होने वाली है यहाँ की, और ऐसी प्रेजेंटेशन ना आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। चैनल फूडी सांड गाइस, आज हम आपके सामने द्वारका मोड़ आ चुके हैं, और द्वारका मोड़ में सबसे फेमस टिक्की जो है, द्वारका मोड़ नहीं, मैं तो कहूंगा भाई पूरी ब्लू लाइन में सबसे फेमस टिक्की जो है वो है गुप्ता जी की टिक्की, देख सकते हैं। अब एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे इतनी भीड़ है, दुकान सुबह से चल रही होगी, दोपहर से चल रही होगी, सिर्फ 2 मिनट हुए हैं अभी रेडी खुली है जस्ट, और जब रेडी भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले से 20 लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे इनकी टिक्की का, हम भी उनमें से एक थे। तो भाई गुप्ता की टिक्की, ये भीड़ बता रही है आपको कि क्या टिक्की होने वाली है यहाँ की, और ऐसी प्रेजेंटेशन ना आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, और इतने भीड़ के बाद भी रेट बहुत ही सही है, कुछ बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। द्वारका मोड़ पे मैं आपको एड्रेस बताता हूँ एक बार फुल, सामने गाइस द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन है, जैसे आप ककरोला मोड़ की साइड आएंगे ना, आपको यहाँ बस स्टॉप दिख जाएगा, ककरोला क्रॉसिंग का बस स्टॉप है, जस्ट साथ में लगाते हैं गुप्ता जी। और गुप्ता जी की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक है, सिर्फ शाम के 5 घंटे, रात के 5 घंटे लगाते हैं, और उसके बाद भी इतने लोगों को अपना दीवाना कर रखा है। तो चलिए भाई क्या दिखाता हूँ मैं आपको, आपके मुंह में पानी ही आने वाला है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिए। आइए हमारे, तो गाइस यहाँ पे हमारी टिक्की बन रही है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, यहाँ पे बनी बनाई टिक्की नहीं, यहाँ पे सामने सामने टिक्की बनेगी, और डायरेक्ट तलते ही आपको मिलने वाली है। सर ये टिक्की में अभी क्या क्या ऐड है इसमें? दाल भी है, आलू है, दाल कौन सी? चने की दाल, चने की दाल है, छोले और टमाटर है, पनीर है, और सलाद है, प्याज, मूली। अच्छा भाई बहुत कुछ ऐड कर रखा है टिक्की में। जैसे कि आप बोर्ड देखेंगे गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी के मशहूर शुद्ध सोना घी से बने पनीर वाले टिक्की छोले का है। आप एक बार भीड़ देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा भीड़ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे भीड़ कम नहीं हो रही है। और भाई और चीज़ें दिखाते हैं आपको, यहाँ की प्याज है कटे हुए, दो प्लेट, बाकी छोले, छोले के ऊपर आप देखेंगे इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन शायद आपको स्ट्रीट साइड कहीं नहीं दिखी होगी, ये छोले डल रहे किसी के, और ये ऊपर पनीर, प्याज, हरी मिर्च, हर चीज़ का इन्होंने ऐड कर रखा है ऊपर, बहुत सुंदर लग रही है, और ऐसे छोले शायद आपने स्ट्रीट साइड में कहीं नहीं देखे होंगे। सर एक बार छोले थोड़े चला के दिखाएंगे सर? जी सर, हाँ जी सर, थोड़े सर एक बार छोले चला दिखाइए। बाकी उधर हमारी टिक्की बन रही है, करारी से टिक्कियाँ, और सारी सेम करारेपन के साथ, सारी टिक्कियाँ एक जैसे लग रही है बिल्कुल दिखने में। ये चटनी वटनी पैक हो रही है यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे पैक भी करवा सकते हैं, पैक यहाँ पे एल्युमिनियम के कंटेनर में होगी, और डलेगी आपकी प्लेट में, जो कि स्टील की चम्मच के साथ आपको सर्व होंगी, तो खाने में बहुत ही आसानी होने वाली है आपको। ये देखिए छोले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए सर और चलाइए एक बारी, कि हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के मुँह में पानी आए। अरे भाई क्या बात है, बहुत कमाल लग रहे भाई, यहाँ की गर्मा गर्म छोले, आप एक्स्ट्रा छोले यहाँ ले सकते हैं। तो भाई टिक्की बनने की स्पीड देखिए आप एक बारी, गुप्ता जी जैसे हाथ में लेते सीधा भाई थ्रो, पकड़ी थ्रो, पकड़ी थ्रो, इतनी तेज़ यहाँ पे टिक्की बन रही है। और सारी दोस्तों टिक्की आप एक बार देखेंगे, मुझे सारी टिक्की बिल्कुल सिमिलर सी लग रही है, सेम क्रिस्पीनेस लग रही है हर टिक्की में, तो ये चीज़ भी बहुत स्पेशल है कि आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि सारी टिक्की में, यानी कि हर कस्टमर को एक जैसा स्वाद यहाँ पे मिले। बाकी आपको दिखाऊं तो ये देखिए छोले वोले हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल है दिखाना क्योंकि सर थोड़ा ज़्यादा बिजी है, चटनी वटनी यहाँ रखी है। सर एक बार छोले एक बार चला के दिखाएंगे सर? एक बार सर छोले चला के दिखाइए हमें। अभी देखिए किसकी प्लेट बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें सर छोले थोड़े चला के दिखाएंगे, ये देखिए थोड़े घर सर, पहले थोड़े छोले भी चला के दिखाइएगा, ये देखिए भाई क्या बात है, यहाँ के टिक्की छोले, ऊपर चटनी, और ये आगे दही। प्रेजेंटेशन बताइए स्ट्रीट साइड में, क्या आपने इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देखी है, मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलने वाली है, और गुप्ता जी की टिक्की इसीलिए बहुत फेमस है। आइए अब अपनी प्लेट लगाते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। सर दो फुल हमारे भी लगा दिए, दो फुल हमारे लगा दिए सर, टिक्की छोले, हरी चटनी, लाल चटनी, दही,
और भाई बहुत सारे प्याज लाइए सर, दो प्लेट हो, क्या बात है, दो लगाओ, एक सेकंड। तो भाई आप ये देख सकते हैं दो प्लेट हमारी आ चुके हैं यमी से टिक्की वाली, और बहुत टेस्टी लग रही है ना। अब मेरे से रुकवाने जा रहा है इसे टेस्ट करे बिना। आइए भाई आपको टेस्ट करके बताता हूँ, पहले एक थंबनेल निकालते हैं बढ़िया सा। तो भाई हमारी कुरकुरी सी टिक्की की प्लेट आ चुकी है जो कि हमें 30 रुपये की पड़ी है। दो प्लेट, एक मेरी रही, एक मुनिश की साइड में रखी है। तो चलिए भाई इतनी चीज़ें ऐड करिए कि भाई मेरे मुँह में पानी आ रहा था, देखते देखते क्रिस्पी है लेकिन टूटने में बहुत आसानी होगी आपको। तो आइए भाई टेस्ट करते हैं। खट्टी मीठी चटनी, ठंडी ठंडी दही, ऊपर प्याज, और भाई क्रिस्पी सी पनीर वाली टिक्की है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इतने सारे टेस्ट है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ये देखिए बहुत बढ़िया। एक लाइन बोलना बहुत बढ़िया, क्योंकि टेस्ट इतने सारे दोस्तों, आपको खट्टा मीठा तीखा जो आप स्वाद चाहते हैं ना, जिस स्वाद के आप फैन है ना, आपको वो स्वाद आपको मिलने वाला है। अभी आपकी जीभ के ऊपर है, जैसे मेरी जीभ थोड़ा मीठा जल्दी पकड़ती है तो मुझे हल्के से मीठापन यहाँ पे ज़्यादा जल्दी फील हुआ। वैसे आप देखें तो हरी, यहाँ की जो हरी चटनी है ना, ये सबसे यहाँ पर मेन कही जाती है, हरी चटनी और यहाँ के छोले, जो कि बहुत चटपटी सी है। और ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ की भीड़ ना यहाँ का टेस्ट बयां कर रही है। बहुत बढ़िया, आपको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी टिक्की ना आपको स्ट्रीट साइड में कहीं और मिलने नहीं वाली है। कमाल है भाई, कमाल है। और रेट की बात अगर मैं करूँ ना गाइस, तो रेट यहाँ पे मुझे बहुत से लगा, 30 रुपीज़ की दो टिक्की है जो कि जनरली आपको हर जगह मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम है टिक्की छोले, उसके अलावा कुछ नहीं है पूरी कार्ट पे। तो आप सोच सकते हैं कि एक आइटम के दम पे ये इतनी भीड़ जमा कर रहे हैं तो क्या टेस्ट होगा और कैसी चीज़ें होंगी यहाँ पे। आप एक बार ट्राई करिएगा इस यहाँ पे। और टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 5:30 बजे से लगाते हैं और रात के 10 बजे तक है। 7 डेज़ ओपन है, नहीं संडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, बाकी 6 डेज़ ओपन है। और आप ट्राई करें, कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए क्योंकि भाई सब कुछ आपको दिख ही रहा है। मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो में दोस्तों, पर लाइक ज़रूर करें यार, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो शेयर ज़रूर करें।